चतुर्थी पर मोंगरम का राजा इस सुंदर इको फ्रेंडली बिल्डिंग में, भवन में भगवान श्री गणेश गणपति जी की स्थापना के अवसर पर मैं न केवल यहाँ के निवासियों को, पूरे महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को अपनी शुभकामना देता हूँ, क्योंकि गणपति ये हमारे जैसे गणतंत्र है ऐसे ही गणतंत्र के पति हैं। तो ये गणपति हमारे गणतंत्र की रक्षा करें और जो गणतंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया है, प्राप्त किया है, वो खूब फले फूले और भोंग राजा के हमारे जो सब निवासी हैं, रहवासी हैं, वो सब लोग भी खूब फले फूलें, ये मेरी शुभकामना। सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि सबसे सब बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। और मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे जो इतना भव्य गणपति रखा है, जिसकी स्थापना यहीं पे हुई है, स्थापना मतलब यहीं पे बना है और यहीं पे विसर्जित भी होगा, इट्स अ इको फ्रेंडली गणपति। तो यहाँ आके मुझे जो खुशी हुई है और एक ब्लेसिंग जिसे हम बोलते हैं ना, ब्लेसिंग मिली है, आई एम सुपर हैप्पी कि गणपति बप्पा मौर्या विघ्नहर्ता, सबके विघ्न हटा। अभी कोविड हो के चुका है, वी हैव ऑल गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो उसके बाद में हमें पर्यावरण की जो रक्षा करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे देश के लिए अच्छा है, एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि इट शुड बी, पर्यावरण हमारा सही रहना चाहिए। कोविड में अपने हाथ धोए थे, रोज़ धोते थे, बार बार धोते थे, ये वहीं से शुरुआत होती है। एंड अभी जो ये है इको फ्रेंडली, इट इज़ हियर बिकॉज यहीं पे ये बनाया गया है, तो कहीं ट्रैफिक नहीं गया है, किसी को परेशानी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस इज क्वाइट, आराम से काम कर सकती है, आप लोग आ जा सकते हैं रस्तों पे आराम से, आपको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गणपति अगर विसर्जित नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े जो गणपति होते हैं, अगर ये सड़क पे जाते हैं विसर्जित होने के लिए, तो आपका सी खराब होता है, वहीं पे धूल मिट्टी बन के सब वापस आ जाता है। तो इको फ्रेंडली गणपति इज़ द डिमांड ऑफ द डे। और जो मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा और इतना भव्य गणपति यहाँ पर स्थापित किया है जिसका यहीं पर विसर्जन भी होगा। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर दिस, थैंक यू। मेरी तरफ से गणपति बापा मौर्या, आप सभी को बहुत बहुत गणपति की आज हार्दिक शुभेच्छा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो एक छोटा सा अपने मन में भाव लाया था, बप्पा ने उसको यहीं पे प्रेजेंट कर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और यहीं पे इनको हमने निर्मित किया और यहीं पे इनको हम आगे यहीं पे विसर्जन करेंगे इनका। और 24 फीट के गणपति हैं। मैंने अपने एक दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आते जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि चलो इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं। तो हमें पता चला अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि क्लस्टर जो गणपति हैं वो अलाउ नहीं किए हैं। तो मैंने जो लालबाग के बनाने वाले हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे इस बार गणपति बनेंगे ही नहीं, इतने बड़े गणपति नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा मैंने अभी बप्पा को तो हमें रखना ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए पिछली बार भी ऐसे ही रखा, अब दोबारा ट्राई करते हैं, चलो छोटे ही रख लेते हैं। पर मेरे एक दोस्त हैं शंकर दरवेश उनका नाम है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छा चलिए हम कुछ नया करते हैं। और नया करने के लिए, क्योंकि देखिए आज मोदी जी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए, बेसिकली उनको ये लगता है कि आज हमारी जो प्रदूषण का मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हुए हैं। मैं इसलिए, क्योंकि मैं नमो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी मुझे ये लगा कि चलिए कुछ नया करते हैं। और बेसिकली इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के होना मुझे भी नहीं लगता था। मैं गवर्नर साहब के पास जब गया तो वो हंसने लगे, वो बोलने लगे अरे 24 फीट के गणपति बन ही नहीं सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। और यही बात मैं सीएम साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही बात की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने साक्षात है, मैंने जिस आदमी ने इनको बनाया है 21 दिन में उसने बनाया, वो आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पे, उसने यहाँ पे बना के उसको तैयार किया है।
आप सोचिए इन्होंने कुछ उसमें क्या इस्तेमाल किया ये बताएंगे, पर आप सोचिए आपके सामने 24 फीट के गणपति हैं, इको फ्रेंडली गणपति हैं और यहीं पे मैं उनका विसर्जन करूँगा। सबसे बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान को ये चाहिए। आज देखिए हम लोग बड़े उत्साह से गणपति मनाते हैं, हम इनको विसर्जन भी करते हैं, बड़े दुख के साथ विसर्जन भी करते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी मंडल, मेरी रिक्वेस्ट ही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना ही है लोगों से कि अगर सभी मंडल इस तरह का काम करें, उसमें क्या होगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा रोड पे, पब्लिक नहीं आएगी, जिसने दर्शन करने वो दर्शन करके वहीं पर अगर ये विसर्जन हो रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब ये हम 24 फीट के गणपति बना सकते हैं तो और मंडल भी बना सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं थोड़ा सा सर को जल्दी थी, राज्यपाल साहब को जल्दी जाना था, नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये कहें, सभी मंडलों को रिक्वेस्ट करें और CM साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सभी मंडलों को बोलें कि वो इको फ्रेंडली गणपति क्यों नहीं बनाते हैं। अगर इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के हम बना सकते हैं तो दूसरे लोग भी बना सकते हैं और उसका विसर्जन कर सकते हैं। उसमें ना तो रोड पे ट्रैफिक रहेगा, ना पब्लिक इतनी आएगी, जिसको दर्शन करना वो यहाँ आके दर्शन कर लेगा। तो मेरी आप सबसे सारे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसको हाइप कर सकते हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को बताइए, देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति होगा उतना ही सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इनको रूप दिया है, वो आपको बताएंगे कि सही मायने में है क्या और उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की। ये रियल में मिट्टी से ही बना है, कोई ये नहीं है कि इसमें हमने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ, वो आपको इस चीज़ को कन्फर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लगे हैं बना 21 दिन बने हैं बनाने को लगे हमें, और इस 21 दिनों में हमने इसको साक्षात तैयार किया है जो आपके सामने है। इसमें जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो टोटली इको फ्रेंडली है, रीयूज हो सकती है और वो वेस्ट कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए उसी को हमने पकड़ के और सर ने हमें बताया कि ये हो सकता है क्या, तो हमने सोचा कि ये हो सकता है क्योंकि शुरू से ही हम करते आए, सर ने हमें चांस दिया है कि कुछ बड़ा करेंगे, तो फिर लोगों का कहना है कि नहीं हो सकता इतना बड़ा, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है और उसे बनाया। ये तो बुमरंग के राजा है जो सर ने हमें बताया है कि भाई बुमरंग के राजा बनाना है, और हमने भी ठान लिया है कि सर की इच्छा को हम पूरी करें और उसी हिसाब से हमने सब कुछ तैयार किया। तेज बोलना पड़े। अच्छा, हम आए हैं द बेबी केयर फाउंडेशन से और ये कॉरपोरेट से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो यंग अचीवर्स एट क्लास 10th के, तो उनको कुछ अभी जैसे डिजिटल का डिजिटल एजुकेशन का चल रहा है एंड जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो लैपटॉप्स हो या टैब्स, तो हमने वैसे डिसाइड किया, तो वो कॉरपोरेट ने फंडिंग करी और अभी हम लोग टोटल फिलहाल 10 लैपटॉप का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज 3 लोग आए हैं, तो फिर आई थिंक नेक्स्ट वीक बाकी 7 हम लोग करने वाले हैं। तो ये जस्ट टू सपोर्ट ब्राइट स्टूडेंट्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल एजुकेशन। उन्होंने देखा कि किन बच्चों ने, जो बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ऐसी कुछ चीज़ दी जाए, क्योंकि ये NGO से हैं और GPX ऐसे काम करती रहती है, तो बेसिकली मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कोशिश की थी कि राज्यपाल जी कुछ के हाथ से हम उनको प्रोवाइड कर दें, पर रीजन बीइंग उनका टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा चलिए आप सबके सामने ये भी हम कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे और प्रतिभा जो इन लोगों ने ये किया है, तो जो बच्चे और ज़्यादा ये करेंगे तो ये 100% उनको सपोर्ट करेंगे, तो मेरी भी सपोर्टिंग उनके साथ है और मैं भी आगे उनको प्लान करूँगा कि कुछ मैं भी डोनेट कर सकूँ, इस तरह का मेरी ये इच्छा रहेगी। तो अभी हम 3 बच्चे आए हैं, उनको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं, आगे जो है वो भी हम, इन्होंने 10 लैपटॉप दिए हैं, वो आगे जो भी बच्चे होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और जैसे पोल्यूशन फ्री,
और जिस तरह से इको फ्रेंडली होली चाहिए आज के दिन पे, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ी हुई है, प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ रही है, तो इको फ्रेंडली जो बना हुआ है आई थिंक इज़ द बेस्ट वन ऑफ देम। तो मैं शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को, मैडम को हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं कि इस तरह से हेल्दियर है ये, इसको इस तरह का लाना और एक साथ इतने लोगों को जोड़ना इस जगह पर बहुत अच्छा है। हो जाते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बनता है, लेकिन जब हम गणपति की आराधना करते हैं, क्यों आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में जो विघ्न है, बाधा है, जो रुकावटें हैं वह दूर हो, हमारे जीवन में सफलता का युग बने। और जो महाराष्ट्र की जो पावन भूमि है, यहाँ पर जो गणेश जी का उत्सव जो मनाया जाता है, उनके लिए जो इतने सारे आयोजन होते हैं, शास्त्रों में माता पार्वती ने बताया है कि जो गणेश जी की उपासना जिसने कर लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट रह ही नहीं सकती। एक माता पार्वती का संवाद है। और शास्त्र की जहाँ पर बात करता हूँ, तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी आपके कहते सदा भवानी दाहिने सम्मुख राहत गणेश, दाहिने जो है माता शक्ति रहती है, आपके सामने कौन चलता है, गणेश जी चलते हैं, आपके साथ कौन चलते हैं, गणेश जी चलते हैं। जब ऐसी फीलिंग के साथ में हम किसी का आवाहन, अर्चन, पूजन, वंदन करते हैं, तो विश्वास मानिए अपने आप को हम सार्थक बनाते ही हैं। साथ में जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के वातावरण के लोग हैं, या संसार में जो लोग हैं, उनके लिए भी हम कल्याण की योजना बनाते हैं जीवन से।